सत्संग जी, प्यार से कहना, धन अहंकार जी। सत्संग जी, दीति को मोरे, धन अहंकार जी। आज इटली में जहाँ सभी सत्संग रूप में ये आनंद उठा रहे थे, कैसे ये हर एक ने जिस तरह भी अपने भाव कन्वे किए, वो पूर्णता से दिख रहा था कि ये रूह हर एक की नाच रही। और चाहे बड़े हों बच्चे हों, यही लग रहा था कि आज हम सब गुरमत की यूनिवर्सिटी में बैठे हैं, हर एक से वो भाव श्रवण करने को मिल रहे हैं, चाहे कोई भी जेंडर कोई भी एज ग्रुप के हैं सब। तो किस तरह ये विश्वास इस प्रभु परमात्मा, इस निरंकार पर बना रहे, किस तरह हर कोई एक इस अवस्था में रहे जहाँ ये दुख हो चाहे जीवन में सुख हो, वो एक सिर्फ टच एंड गो वाली बात कि एक ह्यूमन लाइफ में आए हैं तो ह्यूमन इमोशंस और ह्यूमन एक्सपीरियंसेस तो होंगे, पर कैसे वो भावों को मन में इतना ड्वेल नहीं करने देना कि वो मन में इतना घर कर जाएं कि अपनी इंसान सुध-बुध खो दे, फिर चाहे वो सुख की घड़ी में इतना खुश भी ना हो कि आगे एक गम आए जब तो वो झेल ना पाए, या इतना भी दुखी नहीं होना कोई अनप्लेजेंट सिचुएशन पे कि फिर एक उम्मीद ही छोड़ दे कि आगे जीवन में सुख फिर से आएगा। तो दातार हर एक को जहाँ भक्ति का जीवन बख्शे, वहाँ वही बात कि हर एक के लिए मन में किस तरह एक दयालुता रहे, हर एक के लिए हम अपनी लाइफ में चाहे खुद कोई तब्दीली करनी पड़े, दूसरे को अकोमोडेट करने के लिए, दूसरे को कंफर्ट देने के लिए हम कोई भी ऐसा कदम जो हो सकता है पॉसिबल और लिया ना गया हो उसको अवश्य लें। और हर एक के ही जीवन में चाहे कोई महापुरुष संगत से अभी इतना नहीं आ रहे हों, इतने जुड़े अब ना हो जितना पहले हों, तो हर एक का यही कर्तव्य बनता है कि किस तरह उनसे बात की जाए, उनसे पूछा जाए क्या कारण रहा इस दूरी का, और फिर वही अगर किसी के मन मुटाव तो किस तरह वो हम एक सल्यूशन बनकर खुद एक वापस जोड़ने का काम करें। क्योंकि जहाँ संसार में हर एक के मन में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स आती हैं या कभी ईगो इतना प्रबल हो जाता है तो फिर छोटी बातें भी इतनी मैग्निफाइड बड़ी लगने लगती हैं। तो किस तरह हमने एक हर एक को जोड़ने का ही काम करना है, किस तरह एक भी लेट्स नॉट वेट फॉर द अपॉर्चुनिटी, लेट्स क्रिएट वन एंड लेट्स नॉट लीव एनी स्टोन अनटर्न्ड, कि किस तरह कुछ भी करके जो एक भक्त है उसको अगर अपनी भक्ति से वो पीछे हो रहा है तो एड़ी चोटी का जोर लगाकर वापस उसको उस रास्ते पे लाया जाए। क्योंकि जहाँ एक कोई भी चाहे कारण रहा हो उसके पीछे होने का, पर एक संत तो शुरू से ही एक इतने कोमल दिल के होते हैं, संत हृदय नवनीत समान, कि किस तरह एक मक्खन जैसे कि एक आंच धूप लगी और साथ ही पिघल गए, तो वही एक हम्बलनेस, एक मन में हर एक के लिए एक वो एम्पथी वाली बात रखते हुए दूसरे की दर्द को अपने तक महसूस करके, तो कैसे हर एक को जहाँ हम जोड़ते चले जाएं इस निरंकार से, उतना हमें भी रियलाइज होगा कि जब हमने किसी को जोड़ने का कार्य किया उस सिचुएशन से ही हमें इतना सीखने को मिल गया कि हम स्वयं भी इस परमात्मा से और नजदीक जुड़ते चले गए, ये रिश्ता और गहरा होता चला गया। तो दासी जहाँ आज ये देख भी रही थी कि कितनी इटली में जाए पहले फिजिकली आए तो भी इतने महापुरुषों के दर्शन हुए, पर आज ऐसा लगा कि वहां की सत्संग में भी ये विस्तार हो गया है और काफी नए चेहरे भी जो महापुरुषों के कभी दर्शन नहीं हुए थे उनको भी श्रवण करने का जहाँ मौका मिला। तो दातार जहाँ इटली में रहने वाली मेरी संगत में इजाफा करे, हर कोई एक सच्चे मन से इस परमात्मा को
सच्ची समझ से इस ब्रह्म ज्ञान के वो अच्छी तरह समझ के इस मिशन के साथ जुड़ते चले जाएं और साथ ही ये संसार के लिए वरदान बने। ये चाहे यूथ देखें तो कितना टैलेंटेड भी, कितना एक जज्बा, तो इसको ठीक जगह चैनलाइज करते हुए और बड़ों के साथ एक कदम से कदम मिलाकर अपनी आगे की यात्रा भी तय करें। दासी इन्हीं शब्दों से आपसे इजाजत चाहेगी। सात संगत जी, धन निरंकार जी।